वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको सूजी के गोलगप्पे बनाना बताऊंगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आप मार्केट के गोलगप्पे लाना भूल ही जाएंगे, घर पे ही बनाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिससे आपके सारे गोलगप्पे फूले फूले बनेंगे। एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं बचेगा जो कि नहीं फूला है। इस वीडियो में खूब सारे मैंने टिप्स भी दिए हैं, तो यदि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके सारे गोलगप्पे अच्छे फूले फूले क्रिस्पी बनेंगे। और इन गोलगप्पों को हम एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब ये सारे ठंडे हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप उन्हें रख सकते हैं। एक गोलगप्पे की मैं आपको आवाज सुनाती हूँ, ये देखिए, और आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, सुन सकते हैं आप आवाज, ये देखिए। तो ये गोलगप्पे मैंने कैसे बनाए, तो आइए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसे मिक्सी में पीस लें। बारीक सूजी से जो है गोलगप्पे अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेल, और सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल हमें इतना ही डालना है जितना कि जो है हमारे हाथों पे लग जाए। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल ऐड किया है, ये देखिए, हाथों में चिकनाई आनी चाहिए। ज्यादा यदि हम तेल ऐड करेंगे तो पताशे जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है, ध्यान रहे पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें ऐड करना है, और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। पानी यहाँ पर मैंने गर्म ही लिया है। इस तरह हमें सभी को अच्छे से मिक्स करना है। पानी हमने इतना ही डाला है कि जो है ये आपस में जुड़ जाए और मिक्स हो जाए। इसको इस तरह फैलाकर हम 10-15 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। दस पंद्रह मिनट हो गए हैं, तो चलिए एक बार हम इसको हटा लेंगे और डो को अच्छी तरह से हम इसमें पानी डाल के और अच्छे से हम इसको सेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह हमें डो को अच्छे से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह हमें मथना है, ताकि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं हमें इस डो को इस तरह रखना है, ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है। जितना अच्छी तरह से हम इसको खींच खींच के इस तरह गूथेंगे, उतने ही पताशे जो है हमारे अच्छे बनेंगे। तो खूब अच्छे से हमें इसको मथना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल नरम और चिकना हो गया है। अब इसकी हमें लोइयां बनानी है, तो इसको हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इसको हम तोड़ लेते हैं पहले, और इस तरह हम इसका लंबा रोल बनाएंगे और छोटी छोटी लोइयां हम बनाएंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर सारी लोइयां तोड़ ली है, ये देखिए। और इसको अब हमें गोल गोल करते हुए इस तरह हमें रोल दबा के इसको गोल करना है। 5-7 हम इसको गोल कर लेंगे, फिर एक साथ हम इसको बेलेंगे। अब सभी को हम ढक कर रख देते हैं और एक एक लोई उठाएंगे और हम बेलते जाएंगे। मैंने यहाँ पर चकला और बेलन ली है, आप चाहे तो चकले की जगह बोर्ड भी ले सकते हैं। हल्का सा जो है हम तेल से दोनों को ग्रीस कर लेंगे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी है और एक गीला कपड़ा रखा है। सारे गोलगप्पे बेल के हमें इस गीले कपड़े पे रखना है, ताकि गोलगप्पे जो है हमारे सूखे नहीं। लोई को हम दबा के इस पे रखेंगे इस तरह, और इसको हम बेलेंगे इस तरह, देखिए। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन मुझे हल्के लंबे पसंद है, तो मैं हल्के लंबे गोलगप्पे ही बनाऊंगी। अब इसको हम गीले कपड़े पे रख देंगे और दूसरा भी हम इसी तरह बेलेंगे। इस तरह हमें सभी गोलगप्पे
बेल के हमें रखने हैं। इस तरह मैंने इतने सारे गोल गप्पे बना के रख लिए हैं और गैस पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें गोल गप्पे फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो एक एक करके हम गोल गप्पे इसमें डालेंगे। इस तरह आप देखिए अपने आप ही गोलगप्पे जो है फूलते जा रहे हैं। जितने कढ़ाई में आएंगे हमें उतने ही डालने हैं। अब गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे इनको हम सिकने देंगे। जब तक गोल गप्पे कम फ्लेम पे सिकते हैं हम और गोल गप्पे बना के रख लेते हैं। सारे गोल गप्पे हमारे फूल गए हैं। अब इन्हें एक बार हम पलट देते हैं और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हमें इसको फ्राई करना है। गोल गप्पे सिक गए हैं तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सारे गोल गप्पे फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोलगप्पे जो है फूल कर हमारे तैयार हुए हैं। इसकी फ्लेम को मैंने फूल कर दिया है तो दूसरा राउंड भी हम इसी तरह करेंगे। एक एक करके हमें इसमें डालना है और फुल फ्लेम पे ही हमें डालना है। आप देख सकते हैं एक एक करके सारे गोलगप्पे जो है हमारे फूल रहे हैं। एक भी ऐसा गोलगप्पा नहीं बचा जो कि फूला नहीं है। देखिए सारे गोलगप्पे जो है हमारे फूल रहे हैं। अब गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और कम फ्लेम पे हम इनको सिकने देंगे। इस तरह में सारे गोलगप्पे सेकने हैं, फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं सारे जो गोलगप्पे हैं हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे फ्राई होके आए हैं। इनका आप कलर देख सकते हैं और सारे गोलगप्पे जो है हमारे फूले फूले बने हैं। एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं है कि जो कि नहीं फूला है। यदि आप इस तरीके से और इस रेशो के साथ यदि आप गोलगप्पे बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे भी बहुत अच्छे, क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। बिल्कुल मार्केट स्टाइल के बनेंगे। आप मार्केट के गोलगप्पे लाना भूल जाएंगे, घर पे ही बनाएंगे। ये देखिए एक गोलगप्पे की मैं आवाज सुनाती हूँ आपको, आप सुन सकते हैं। देखिए कितना अच्छा और क्रिस्पी गोलगप्पा हमारा बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे और बढ़िया गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। हमें गोलगप्पे बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने इसका रेशियो बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। दूसरा, इसको हमें गर्म पानी से गूंथना है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो डो लगाएंगे वो बिल्कुल ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात होती है गोलगप्पे का डो। डो यदि अच्छा लगेगा तो गोलगप्पे भी आपके अच्छे बनेंगे। डो लगाने के बाद खूब अच्छी तरह से हमें इसको मथना है। 5 से 10 मिनट तक जितना हम मथेंगे उतने ही जो है गोलगप्पे हमारे अच्छे और फूले फूले बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।